हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने फ्राई अरबी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे नींबू के साथ और हरी मिर्ची के साथ आप सर्व करके खा सकते हैं और यह बहुत ही टेस्टी बनती है। और एक बार इस मेरे तरीके से आप फ्राई अरबी की रेसिपी ज़रूर बनाकर देखिए, आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फिर चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने कुकर में पानी ले लिया था और जो अरबी है उसे हम सबसे पहले अरबी को उबाल लेंगे। उबालने के लिए अरबी में हमें सिर्फ दो ही सीटियाँ लगवानी है। दो सीटियाँ लगवाने के बाद हम कुकर के ढक्कन को 10 मिनट के लिए बंद कर देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसको खोल लेंगे। ये देखिए, अरबी को हमने बॉईल कर लिया है। अब इसको हम निकाल के हम इसको बाहर से इसके छिलके उतार लेंगे। ये देखिए, अरबी हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी है और इसको हम अच्छी तरह से इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम नमक, लाल नमक ऐड करेंगे सबसे पहले, और गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी इसमें अजवाइन ऐड करेंगे और अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। मसाले हमने ज़्यादा ऐड नहीं किए हैं, नमक किया है, लाल मिर्च किए हैं, गरम मसाला, अजवाइन और लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करके आधे घंटे के लिए रख देंगे और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाने से जो इसमें जो मसाले होते हैं अरबी में अच्छी तरह से चिपक जाएंगे। अब इसको हम 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद फ्राई करेंगे। थोड़ा सा प्लेट में मैंने आटा ले लिया है और इसको आटे को हम इसको अच्छी तरह से अरबी जो बॉयल मसाले में इसको दबा लेंगे। ये देखिए, आटे में इस तरह अरबी को हम इस तरह से दबा लेंगे और इससे आटे में जब अरबी के दबाने के बाद इसमें बहुत अच्छी फ्राई करेंगे तो बहुत क्रिस्पी बनेगी। अब ऑयल मैंने तवे पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम फ्लेम पर हमें इसको फ्राई करना है। अब मैंने इसमें पीसेस डाल दिए हैं। अब ये एक साइड सिकने के बाद हम दूसरी साइड पलट लेंगे और ये देखिए कितनी क्रिस्पी अरबी, फ्राई अरबी की बनकर रेडी हो गई है। इसे नींबू और हरी मिर्ची के साथ सर्व कीजिए। आप सभी को इस तरीके से अरबी, फ्राई अरबी ज़रूर पसंद आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।